नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी वर्ल्ड कप का बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। भारत की सरजमी पर मुकाबला खेला जाएगा। ये चौथी बार है जब भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। वहीं ये पहली बार है जब भारत को अकेले इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप के इतिहास और कब और कैसे शुरू हुई थी इसकी कहानी। आपको बता दें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हर चार साल में आयोजित किया जाता है। साल 1975 में इंग्लैंड की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज के साथ श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका की टीम शामिल थी। ये टूर्नामेंट प्रतिपक्ष 60 ओवरों के प्रारूप में खेला गया था, जिसमें पारंपरिक व्हाइट कपड़ों में रेड क्रिकेट बॉल के साथ खेला जाता था। शुरुआती सालों में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीमों ने क्रिकेट विश्व कप पर अपना दबदबा बनाए रखा और क्लाइव लॉयड की कप्तानी में 1975 और 1979 में खिताब जीता। पहली बार 1987 में इंग्लैंड के बाहर वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और पाकिस्तान में किया गया था। पहली बार टीमें रंगीन कपड़ों में नजर आई थी, व्हाइट बॉल का इस्तेमाल किया गया था और डे नाइट मैचों का आयोजन भी हुआ था। इसके साथ ही साथ प्रतिपक्ष ओवरों की संख्या भी घटाकर 50 ओवरों की कर दी गई थी और टीमों की संख्या भी 8 से 12 हो गई थी। इस साल पाकिस्तान ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। आपको बता दें कि पहले तीन वर्ल्ड कप यानी कि 1975, 1979, 1983 में ये टूर्नामेंट प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1999 में क्रिकेट विश्व कप का ऑफिशियल नाम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप रख दिया गया था। भारत को आज के वक्त में क्रिकेट में महाशक्ति कहा जाता है। मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट टीम वो टीम मानी जाती है जो किसी भी देश में जाकर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत क्रिकेट की दुनिया में कमजोर माना जाता था। फिर आया 25 जून 1983 का दिन। इस दिन भारत ने कपिल देव की कप्तानी में अपना पहला विश्व कप जीता था। यहीं से भारतीय क्रिकेट की कहानी बदल गई। बिना देरी किए चलिए जानते हैं उस फाइनल मैच की खास बातें। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी। सुनील गावस्कर मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उनके जोड़ीदार कृष्णाचारी श्रीकांत ने शानदार बल्लेबाजी की थी और 38 रनों की पारी खेली। श्रीकांत ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों के अलावा एक छक्का भी मारा। श्रीकांत इस मैच में टीम के सर्वोच्च स्कोरर रहे। भारत ने 183 रनों का स्कोर बनाया था। भारत को कम स्कोर का बचाव करना था और इसीलिए उसे शुरुआत में ही विकेट चाहिए थे। गार्डन ग्रीनीज इस समय के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते थे। बलविंदर संधु ने उनको पैर जमाने नहीं दिया और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। ग्रीनीज के जाने के बाद तीसरे नंबर पर आए विवियन रिचर्ड्स भारत के लिए खतरा बन रहे थे और लगातार रन भी बरसा रहे थे, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव के एक शानदार कैच ने रिचर्ड्स की पारी का अंत कर दिया और भारत को राहत दी। मदन लाल की गेंद को रिचर्ड्स ने पुल किया और गेंद जो थी वो डीप स्क्वायर लेग पर गई। लेग अंपायर के पास खड़े हुए कपिल देव ने पीछे भागते हुए इस मुश्किल कैच को पकड़ लिया और रिचर्ड्स को पवेलियन भेज दिया। वो 28 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए। मोहिंदर अमरनाथ 1983 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। फाइनल में भी वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने 3 विकेट लिए, जिसमें से एक जेफ डचन का विकेट था। विकेट उन्होंने बेहद अहम समय में लिया। जेफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत के लिए खतरा बन रहे थे। वो 26 रनों पर थे तभी अमरनाथ ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और उनका विकेट 119 रनों के कुल स्कोर पर गिर गया। अमरनाथ ने ही वो यादगार विकेट लिया जिसने भारत को विश्व चैंपियन बनाया। यानी वेस्टइंडीज का आखिरी विकेट अमरनाथ ने माइकल होल्डिंग को LBW आउट कर लिया। वेस्टइंडीज की पारी 140 रनों पर समेट दी गई और भारत को विश्व विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद कपिल देव ने लॉर्ड्स की बालकनी में विश्व कप की ट्रॉफी उठाई और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। आपको बता दें कि अब तक 12 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आयोजित हो चुके हैं। वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक 5 विश्व कप जीते हैं और 2 बार उप विजेता भी रही है। साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत और वेस्टइंडीज ने 2-2 बार विश्व कप जीते हैं। भारत ने 1983 और 2011 में, जबकि वेस्टइंडीज ने 1975 और 1979 में विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। आपको बता दें कि साल 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित पिछला 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। 1983 वर्ल्ड कप के 28 साल बाद साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। अब इस बार रोहित शर्मा टीम की कमान संभाल रहे हैं। क्या इस बार रोहित की कप्तानी में 12 साल का सूखा खत्म होगा? कमेंट बॉक्स पर अपना रिएक्शन जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।